कोरोना काल में छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में तत्कालीन कलेक्टर अंकित आनंद के सामने एक ऐसा भावनात्मक पल सामने आया जब लॉकडाउन में उन्होंने बुजुर्ग महिला से उसकी सारी सब्जी खरीद ली और उसे घर भेजा। किसी ने इस घटना को मोबाइल में कैद कर लिया और अब यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल अप्रैल माह में दूसरा लॉकडाउन किया गया था, तब लॉकडाउन में प्रशासनिक तैयारियों को परखने के लिए कलेक्टर अंकित आनंद और SP अजय यादव निकले थे। इसी दौरान जब पुलिस प्रशासन की टीम शनिचरी बाजार पहुंची तो वहीं एक बूढ़ी अम्मा सब्जी बेचती दिखी। तय वक्त के बाद भी बूढ़ी अम्मा सब्जी बेच रही थी, लिहाजा कलेक्टर अंकित आनंद की नजर उन पर पड़ गई। अंकित आनंद उस महिला की तरफ बढ़े तो SP अजय यादव और उनकी टीम भी उस ओर बढ़ गई। अचानक पुलिस वाले और अधिकारियों को अपनी तरफ आता देख महिला बुरी तरह डर गई। कलेक्टर अंकित आनंद ने बड़े ही आत्मीयता से महिला से कहा कि कोरोना की वजह से लॉकडाउन चल रहा है और वो अब इस तरह से सब्जी नहीं बेच सकती। कलेक्टर ने उन्हें वहां से जाने को कहा तो महिला पूरी तरह से निराश हो गई। इधर कलेक्टर ने जब अम्मा के मुरझाए चेहरे को देखा तो तुरंत उसकी परेशानी समझ ली और फिर तुरंत अपने पॉकेट से 200 रुपए निकाल कर महिला को दिए और बोले, मैं तुम्हारी सारी भाजी खरीद लेता हूँ, अब आप यहाँ से तुरंत घर चली जाओ। कलेक्टर ने जैसे ही पैसे थमाए अम्मा के चेहरे पर खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कलेक्टर ने सब्जी वाली से सारी भाजी खरीद ली और घर भेज दिया। कलेक्टर के इस भावनात्मक कार्य को देखकर मौजूद पुलिसकर्मी और अधिकारी भी कायल हो गए और वही कलेक्टर के सम्मान में तालियां बजाना शुरू कर दी। अब ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।